इसकी शक्ल से देखेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत स्पाइसी है ना अली? टू मच स्पाइसी है। और एंड हियर इज माय गोलगप्पा। यस हियर इज योर्स। ये देखो जी आपने कितने डिफरेंट कलर्स डलवाए, मजे का लग रहा है। तो थोड़ा आराम से खोलिएगा। आराम से ये तो खोल रही थी पर ये नहीं खुल रहा था ना। हटो मैं पकड़ूँ एक मिनट। आप इसको टाइटली पकड़ के रखो। हाँ चाय बना के दे रहे हो? तुम ये रोज़ाना बच जाते हो हैं मुझसे, तुम पूरी चाय बनवा लेते हो। बताओ लाइट भी नहीं होती, गैस भी नहीं होती। अली हम कहाँ रह रहे हैं? हम पाकिस्तान में हम मरीख को चल के रहते हैं। Assalamualaikum guys, welcome to my channel Heer Ali। guys क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और भाई बहुत गर्मी हो गई है भाई। मई ने जो है वो अपना पूरा हक अदा कर दिया। लग रहा है कि बहुत ही गर्मी हो रही है। हम जो कह रहे थे ना कि अच्छे रमज़ान गुजर रहे हैं, गर्मियाँ नहीं आई हैं भाई, बड़े अच्छे दिन गुजर रहे हैं, वो सारी कसर गर्मियों ने निकाल दी। और ऐसी आई है गर्मी, ऐसी गर्मी आई है कि भाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और मतलब कि अब पूरी उरूज पर है गर्मी। और क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो गर्मी के साथ साथ हमें लोड शेयरिंग को भी बर्दाश्त करना पड़ता है कि लाइट नहीं है तो भाई बहुत बड़े इश्यूज़ हो जाते हैं। यूपीएस भी अपनी आखिरी सांस से लेने लग जाता है, वो बेचारा भी कब तक चलेगा। तो भाई क्या करें बताएं, मतलब गर्मी अगर वैसे ही बर्दाश्त कर लें तो लाइट, लोड शेडिंग ये हमें बर्दाश्त नहीं करने देती। और मज़े की बात यह है कि इसका कोई हल ही नहीं है। तो एक्चुअली आज हमारे यहाँ जो है वो लाइट के इशू सुबह से जो है वो बहुत ज़्यादा, और ये गैर रानिया लोड शेडिंग जो है ना वो अपने उरूज पर है। तो जो है वो आज बहुत बुरा हाल है। दिन से बार बार यूपीएस बंद हो रहा है और कितना चलेगा यार वो, मतलब कितना चलेगा, लाइटों का कोई हाल नहीं है। और ये सबके साथ ही पाकिस्तान में होता है, आप लोगों को सबको पता होगा, सब लोग इस बुरे तजर्बे से गुजर रहे होंगे, सिर्फ मैं ही नहीं, ये तो पाकिस्तान में सबके साथ हो रहा है। तो इसलिए मेरी ब्लॉगिंग जो है आज बहुत देर से स्टार्ट हुई है। इस वक्त जो है वो मैं खाना बनाने वाली हूँ और जो है ना वो मैं बना रही हूँ आज खाने में नहारी, बड़ी चटपटी सी स्पाइसी नहारी चटपटी और स्पाइसी नहारी। वजी जो है वो रेस्ट पर हैं, अभी ये लेट रहे हैं लाइटें शाइटें बंद कर कर। और ये कह रहे थे कि मम्मा मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, तो मैंने कहा आप रेस्ट कर लें, हट जाइए हट जाइए। तो मैं बना रही हूँ आज मज़ेदार चटपटी सी नहारी। और तो हम खाएंगे गरम गरम नान से। और जी कल है मदर्स डे। मदर्स डे की हमारी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। इन एडवांस थैंक यू। और वजदान और इब्राहिम ने स्कूल में इनकी कार्ड एक्टिविटी हुई थी, मदर्स डे की छोटी मोटी सेलिब्रेशन हुई थी। मतलब वजदान का जो इवेंट था वो तो कैंसिल हो गया था क्योंकि जो है वो इमरान खान को जो अरेस्ट कर लिया था तो वो उस दिन ही था, तो इसलिए उसके नेक्स्ट डे था, तो वो स्ट्राइक हो गई और इनका कैंसिल हो गया था। तो फिर दोबारा जो है वो नहीं हुआ, वो पोस्टपोन हुआ, पोस्टपोन के बाद वो कैंसिल हो गया, ये हुआ। ऐसा कोई हमारी प्लानिंग नहीं है मदर्स डे की। तो इन लोगों ने कहा हम आपके लिए खुद जो है घर में बैठकर आपके लिए कार्ड मेकिंग करेंगे, कार्ड मेकिंग एक्टिविटी करेंगे। मम्मा हम आपके लिए कार्ड बनाएंगे और आप हमारी वीडियो बनाइएगा और हम आपको कार्ड देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो देखते हैं लोग कौन इनका कंपटीशन करेंगे कौन ज़्यादा अच्छा कार्ड बनाता है। ठीक है तो जो है ना वो ये कार्ड बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सबसे अच्छा क्रिएटिव कार्ड कौन बनाता है। और आज मैंने बनाई है बहुत ज़बरदस्त किस्म की नहारी। अली कैसी बनी है नहारी? आप इसकी शक्ल से देखेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत स्पाइसी है ना अली? टू मच स्पाइसी है। और मैंने इसके ऊपर बहुत सारे हरा धनिया, हरी मिर्चें, लेमन सब डाला। ये सारे लवाजमान मैंने डाले। आप दिखाओ, इन्होंने तो लेग पीस की हालत कर दी है। हाँ ये हरा धनिया साइड पे क्यों कर दिया आपने? और ये भाई ने तो अभी शुरू ही नहीं किया। और ये कैसी है स्पाइसी नहारी? चैलेंज कर लें? नहीं भाई नहीं स्पाइसी मैगी नहीं, वाकई बहुत मज़े की। अब बनी कैसी अली? बहुत ज़बरदस्त बनी। और इब्राहिम और वजदान ने जो है वो मेरे लिए अभी फिर से जो है वो कार्ड बनाए हैं दो। अभी ये लोग बहुत देर से जो है वो ड्राइंग कर रहे थे और कार्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे, मेरे लिए बना रहे थे मदर्स डे के लिए। क्योंकि ऐसा कोई सेलिब्रेशन हम लोगों ने करनी नहीं है, कुछ ऐसा कोई प्लान नहीं है हम लोगों का, तो इन लोगों ने कहा कि हम कार्ड बना के देंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इब्राहिम ने बनाया है। इब्राहिम ये कैसे खुलेगा? ये इसको यहाँ से पुल पकड़ो, पकड़ो मैं करूँगी पुल। करें हाँ पकड़ो, आप पकड़ के रखो, टाइट पकड़ो और टाइट ना जाए, फटे ना जाए, फटे ना जाए। थोड़ा आराम से खोलिएगा। आराम से ये तो खोल रही थी पर ये नहीं खोल रहा था ना। हटो मैं पकड़ूँ एक मिनट। आप इसको टाइटली पकड़ के रखो। हाँ, ओ वाह, हैप्पी मदर्स डे, यू आर द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। वाह इब्राहिम, ये कैसे बनाया आपने यार? उससे देख के। इट इज़ सो क्रिएटिव। किससे देख के? यूट्यूब से। वाह, बहुत ज़बरदस्त। और इसको बंद कैसे करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल है, बंद करना मुश्किल है। दिखाओ, इधर शो करो ना। बहुत आपने बहुत एफर्ट किए। ये वजदान ने बनाया था। वजदान ने क्या लिखा था? बेस्ट मॉम। ओहो, मॉम तो बहुत अच्छा लिखा है। एवर आई लव यू मॉम। वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। ये है हमारी मदर्स डे सेलिब्रेशन। वेरी नाइस। और ऐसे अभी थोड़ी देर में बंद कर रहा था ना, जब बनाया था तो फट ही गया था। फट गया था तो बंद करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है इसको? हाँ, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत क्रिएटिव है। हमने इमोजीज भी बनाए, हाँ। तो कोई इस तरीके से बनाना चाहे, ये बहुत क्रिएटिव है तो वो बना सकता है। यूट्यूब पे सर्च करके। क्या थी साइट, कौन सी थी इब्राहिम? यूट्यूब पे पता नहीं, सायरा क्रिएटिव ऐसे कुछ, सायरा क्रिएटिव आर्ट होगा कुछ। वहाँ से इब्राहिम ने ये देखकर और ये क्रिएटिव कार्ड बनाया। वेरी नाइस दोनों का। वजी आपका भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू इब्राहिम, थैंक यू वजदान। सो गाइस, अभी हम लोग आए हैं गोला गड्ढा खाने के लिए क्योंकि हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी और गर्मी में हमें खानी होती है ठंडी ठंडी चीज़ें जो हमारा बहुत दिल करता है, जैसे कि आइसक्रीम और गोला गड्ढा। ये जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खाया जाता है। और रात को अक्सर जो है वो लोग निकल कर जाते हैं। आइसक्रीम पार्लर में भी बहुत रश होता है क्योंकि जो है वो लोग जो है वो ठंडे टाइम में निकलते हैं तो रात में थोड़ा टाइम ऐसा होता है कि लोग जाते हैं, इंजॉय करते हैं। और आप हर जगह, हर आइसक्रीम पार्लर के पास इतना रश देखेंगे और आप गोले गड्ढे की दुकानों के पास इतना रश देखेंगे। किसी जूस सेंटर चले जाएँ, किसी आप कहाँ चले जाएँ इब्राहिम, किसी लिमका की शॉप पे चले जाएँ, आपको हर जगह रश नजर आएगा। तो हम भी जो है आए हैं यहाँ पर, जहाँ हम अक्सर आते हैं। ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे गोला गड्ढा मिलता है। हम वो गोला गड्ढा खाने के लिए आए हैं और बाबा गए हुए हैं अभी गोला गड्ढा लेने के लिए। और यहाँ इब्राहिम और मैं गोले गड्ढे का वेट कर रहे हैं। सो हियर इज़ माई गोला गड्ढा। ये देखें आप, ये कितने मज़ेदार लग रहा है। एंड हियर इज़ माई गोला गड्ढा। यस, हियर इज़ योर्स। ये देखो जी, आपने कितने डिफरेंट कलर्स डलवाए, मज़े का लग रहा है। तो घर जाके खाऊंगा। और ये बाबा का है और ये इब्राहिम। नदीदा है ये, नदीदा घर जाके खाएगा सारे चस्के लेते हुए। हम तो अभी खाएंगे, हम तो अभी मज़े उड़ाएंगे। चाय बना के दे रहे हो? तुम ये रोज़ाना बच जाते हो हैं, मुझसे तुम पूरी चाय बनवा लेते हो, मुझे चाय नहीं पिलाते यार। ये कौन सा सीन है अली? शाम को पिलाई थी, दिन में पिलाई थी आपको। यार चाय पीनी है अरे यार, रात को ये बड़ा मसला है गैस का यार। तुमने पूरे दिन में सिर्फ शाम को एक दफ़ा चाय पिलाई थी और मैंने कितनी बार चाय पिलाई है? दो दफ़ा। किसने पिलाई है? एक्सक्यूज़ मी, कब? आज दो दफ़ा? कब? एक दफ़ा पिलाई शाम। जी हाँ, आप शाम को ही पिलाते हैं बस। रात में बचत हो जाती है कि वो लाइट ही नहीं आ रही, वो गैस नहीं आ रही होती, सॉरी। बताओ, लाइट भी नहीं होती, गैस भी नहीं होती। अली हम कहाँ रह रहे हैं? हम पाकिस्तान में हम मरीख को चल के रहते हैं, हम ज़मीन पे क्यों रह रहे हैं? और अली यहाँ पर अपना कोई काम शाम कर रहे हैं और रात हो चुकी है काफ़ी। तो भाई रात को जो है वो लेट नाइट जो है वो चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। और सीन कुछ ऐसा होता है कि आजकल लाइट जो वो सॉरी गैस जो है वो रात को नहीं आ रही है तो हम चाय से महरूम रहते हैं। रात को बिल्कुल मज़ा नहीं आता। बहुत दिल चाहता है चाय पीने का, ख़ास तौर पर जब अली साथ होते हैं तो मौका मिल जाता है इनसे चाय बनवाने का लेकिन ये बच जाते हैं। और हम लोग गोला गड्ढा खा कर आए थे और गर्मी को दूर करने के लिए अब जब गोला गड्ढा खा कर आ गए तो अब हमें जो है वो चाय की क्रेविंग हो रही है। उल्टा सिस्टम है हम लोगों का, है ना अली? तो गाइज़, मैं अपनी व्लॉग का एंड यहीं पर ही करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की व्लॉग बहुत पसंद आई होगी। ऐसा कुछ खास नहीं था लेकिन उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। और जब गोला गड्ढा हम खाने के लिए गए थे तो वहाँ पर मैं पहले भी व्लॉग बना चुकी हूँ। वहाँ पर लाइट नहीं होती। इशू ये है कि मतलब वहाँ पे जो उन्होंने बेंचेस लगाई हुई हैं। वहाँ पे जो सिटिंग एरिया एक छोटा सा हमें दिया हुआ है, जहाँ हम बैठकर हवा में मज़े में जो है, वहाँ पे हम घर आके मज़ा नहीं आता ना, बाहर हवा में हम निकले हैं हवा खाने के लिए तो हम वहाँ बैठकर खाते हैं, तो जो है ना वो मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे लाइट एक्चुअली नहीं होती और फ्लैश में जितनी कोशिश मैं कर सकती हूँ लाइट डालने की, बस वही लाइट डल सकती है, उससे ज़्यादा जो है ना वो लाइट नहीं आती। तो लेकिन मैं वहाँ का बनाना चाह रही थी तो मैंने ब्लॉग बनाई थी वहाँ की, और उम्मीद है आप लोगों को मेरी ब्लॉग आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक के बटन को ठोक दें और सब्सक्राइब के बटन को भी ठोक दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मिलते हैं कल की ब्लॉग में इंशाल्लाह। कल है मदर्स डे, हमारी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन देखते हैं कि क्या सीन है, तो कल क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हम कल की ब्लॉग में दिखाएँगे। मिलते हैं कल की ब्लॉग में इंशाल्लाह, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।